फ्लूइड्स पढ़ रहे थे और अब हमें पढ़ना था कोहेजन एंड तो कोहेजन और अडहेजन क्या होता है इसे हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, दो ये दो मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसे हम कोहेजन फोर्स बोलते हैं। इन दोनों के बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उसे हम कोहेजन फोर्स कहते हैं, कोहेजन फोर्स। इन दोनों के बीच में जैसे कि मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसे हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। कोहेजन फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल होता है उसे बांध के रखते हैं आपस में। मान लीजिए अगर ये बॉन्ड है हमारा, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच ये जो बॉन्ड होता है इसे हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखते हैं, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखता है उसे हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। और अब हम अडहेसन फोर्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हमने स्क्वायर लिया है, मान लीजिए दूसरे पदार्थ के क्या है मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उसे भी हम कोहेजन फोर्स ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कोहेजन फोर्स। लेकिन इन दोनों के, वाटर के और दूसरे के, मान लीजिए ग्लास के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं अडहेसन फोर्स, इसे हम कहते हैं अडहेसन फोर्स। अडहेसन फोर्स क्या होते हैं कि अडहेसन फोर्स वो होते हैं जो अपने मॉलिक्यूल्स और दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन करने का ट्राई करते हैं, मतलब कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं अडहेसन फोर्स। अगर ग्लास के मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। यानी कि जब कोई एक मॉलिक्यूल अपने जैसे सेम प्रॉपर्टी वाले, यानी कि एक पदार्थ है उसके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जो करते हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, उसे हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। लेकिन अगर एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं अडहेसन फोर्स। इसे हम एक फिनोमिना से समझ सकते हैं, जब हमारा ग्लास पे वाटर डाला जाता है तो वाटर क्या करता है, ग्लास को वेट कर देता है, मतलब कि उसे गीला कर देता है। लेकिन जब ग्लास पे मरकरी डाला जाता है तो वो उसे गीला नहीं करता, बल्कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक जगह ऐसे बॉन्ड बनाए रखते हैं और वो पूरी सरफेस पे उसके नहीं फैलते। तो इसका क्या मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोहेजन फोर्स जो होता है वो कम होता है, कोहेजन फोर्स कम होता है, और जो हमारा ग्लास होता है उसका अडहेसन फोर्स ज़्यादा होता है वाटर के कोहेजन फोर्स के। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना ज़्यादा ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं। तो ग्लास का जो अडहेसन फोर्स होता है वो वाटर के कोहेजन फोर्स से कम होता है, इसीलिए ग्लास पे जब वाटर डाला जाता है तो उसकी सरफेस को गीला कर देता है। लेकिन जब उसी सरफेस पे हम मरकरी डालते हैं तो मरकरी का कोहेजन फोर्स ग्लास के अडहेसन फोर्स से ज़्यादा होता है, मतलब मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बंध के रहते हैं, और वो जब उसे ग्लास की सरफेस पे डाला जाता है तो उसका कोहेजन फोर्स ग्लास के अडहेसन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो उसकी सरफेस पे नहीं फैलता। इसी को हम कहते हैं कोहेजन और अडहेसन फोर्सेस। तो इनकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, कोहेजन फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही सब्सटेंस, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, एक बार और सुन लीजिए। कोहेजन फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, उसे हम कहते हैं कोहेजन। और एडेसेंस किसे कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल पे लगाता है उसे हम कहते हैं एडेसेंस फोर्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ना भूलें हमारी वीडियो।